किसी का सपना होता है, सपना अपने घर का, सपनों के घर का, और इसी सपने को साकार करने के लिए क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी आपके लिए लाए हैं इजी हाउसिंग लोन्स। 20 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के हाउसिंग लोन्स, क्विक अप्रूवल और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। तो समय आ चुका है अपने सपनों को साकार करने का, आज ही अप्लाई कीजिए। क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी 9011280000। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्हासनगर महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर जमील लेंगरे करके मार्गदर्शन में मनपा अधिकारी गणेश सिंपी, प्राजक्ता कुलकर्णी, जेठानंद करमचंदानी व स्टाफ ने कैंप नंबर 3 कार बाजार के दुकानदारों व अन्य दुकानदारों पर गाड़ियां सड़क पर पार्क करने व सामान रखने के कारण दंडात्मक कार्रवाई की और कुछ दुकानदारों का सामान भी जब्त किया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने एक छुटभैये नेता का नाम लेकर रौब जमाने की कोशिश की, पर मनपा अधिकारियों ने कोई भाव नहीं दिया। वहीं एक जगह कार्रवाई नहीं करने को लेकर दूसरे छुटभैये नेता ने फ़ोन किया, पर मनपा अधिकारियों ने कार्रवाई की। मनपा भवन रोड पर कार गैलरिया नामक दुकान के बाहर फैले कचरे को लेकर एडिशनल कमिश्नर जमील लेंगरेकर ने दुकानदार पर नाराजगी जाहिर की। भाई ये सवेरे झाड़ू वाले जो आते हैं वो लगा के नहीं जाते बरोबर। कल से नहीं करूंगा गाड़ी। उल्लासनगर महानगर पालिका का जो शांति नगर वेलकम गेट है, वहाँ से महानगर पालिका के तरफ जाने वाला जो मार्ग है, उस रोड पे, केबी रोड पे, हमने जो टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स और अन्य विक्रेते, उन्होंने जो रोड के ऊपर एनक्रोचमेंट किया था, उन्होंने जो अपनी गाड़ियाँ बेचने के लिए रखी थी या अन्य वस्तुएँ रखी थी, उसके बारे में हमने इसके पहले भी उनके ऊपर कार्रवाई की थी, लेकिन बार बार बोल के सूचित करके भी ये अपनी कृति को बिल्कुल मतलब बंद नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने फिर से एक बार कार्रवाई की और लगभग 48,000 हमने उनके तरफ से फ़ाइन वसूल किया है। और उनको आज उनको हमने ये सूचित किया है कि इसके बाद में अगर ऐसी कृति चालू रहेगी तो ऐसी आपकी जो वस्तु है उसको जब्त किया जाएगा। और इसके वजह से हमारी समस्या ये है कि हम दैनंदिन जो साफ़ सफाई है वो कर नहीं पाते, और दुकानदार भी रोड के ऊपर कचरा या अपनी गाड़ियाँ लगाने की वजह से लोगों को आना जाना में उसमें दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत कम करने के लिए हमने ये कार्रवाई की। मैं आपके माध्यम से नागरिकों को आह्वान करूँगा, व्यापारियों को भी आह्वान करूँगा, आपकी नागरिकों के लिए पदपथ या रास्ते खाली रहना चाहिए चलने के लिए, तो ऐसी आपकी
गाड़ियाँ अपनी वस्तुएँ ऐसे रोड के ऊपर बेचने के लिए रखेंगे तो इससे लोगों को परेशानी हो जाती है। आप बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मनपा रोड पर गैलरिया नामक दुकान है, वहाँ पर काफ़ी गंदगी है, दुकानदार से भी आपने बात की, क्या है ये मामला? दुकानदार ने यहाँ पे जो हमारा जो गटर है उसको पूरा कवर कर लिया और उसके ऊपर फोर व्हीलर्स उनकी बेचने के लिए लगाते रहते। इसके पहले भी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उसके बावजूद भी अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे बिक्री के लिए रखते हैं तो उनकी गाड़ियों का कचरा या उनके दुकान का कचरा रोड के ऊपर रहता है और गाड़ियाँ लगने के वजह से हमारे सफाई कर्मियों को वहाँ पे सफाई करने में दिक्कत आती है। इसके वजह से इनको आज 5,000 उनके पास से हमने दंड वसूल किया है और उनको आज सख्त सूचना दी गई। अगर इसके बाद में अगर ऐसी का उनकी तरफ से अगर ऐसी कृत्य हुआ तो उनके ऊपर फिर से एक बार कार्रवाई करेंगे। टाउन दर्शन न्यूज़, समाचार ही नहीं, विचार भी।